नमस्कार दर्शकों, वक्त हो गया है आज की 15 बड़ी और सुपर फास्ट खबरों का। तो आइए जान लेते हैं आज की 15 बड़ी और सुपर फास्ट खबरें। केंद्र की मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट आज संसद में किया पेश। पीएम नरेंद्र मोदी बोले, आज का यह बजट अंतरिम बजट तो है ही, लेकिन यह समावेशी और इनोवेटिव भी है। यह बजट विकसित भारत के चार स्तंभ, युवा, गरीब, महिला, किसान, सभी को सशक्त करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट। टैक्स स्लैब में नहीं किया गया कोई बदलाव, हाउसिंग स्कीम लाएगी सरकार तथा वंदे भारत स्तर के 40,000 रेल डब्बे बनाए जाने का हुआ ऐलान। अंतरिम बजट को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी प्रतिक्रिया। शाह ने कहा कि देश के लिए यह खुशी का अवसर लेकर आया है। बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन से प्रेरित है। केंद्र की मोदी सरकार के अंतरिम बजट पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने दी प्रतिक्रिया। थरूर ने अंतरिम बजट को बताया निराशाजनक। कहा, इसमें आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है। जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को लेकर कोर्ट पहुंची ईडी। जेएमएम के विधायकों के टूटने के डर के बीच झारखंड के नए सीएम घोषित किए गए चंपई सोरेन ने राज्यपाल को लिखी चिट्ठी। चंपई सोरेन की चिट्ठी के बाद राज्यपाल ने उन्हें मिलने का समय दिया। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में बढ़ रही है आगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीड़ी बनाने वाली महिलाओं से की मुलाकात। राहुल गांधी न्याय यात्रा के जरिए अब तक पश्चिम बंगाल के 6 जिलों का दौरा कर चुके हैं। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हुई पूजा। सामने आया व्यास तहखाने में पूजा का वीडियो। बता दें कि वाराणसी की जिला अदालत ने बुधवार को ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा पाठ करने का अधिकार देने का आदेश सुनाया था। ज्ञानवापी परिसर में पूजा की अनुमति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को दिया झटका। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी द्वारा जिला अदालत के फैसले को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मसाजिद कमेटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से भड़का विपक्ष। विपक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार पर लगाया आवाज दबाने का आरोप। बीजेपी ने हेमंत सोरेन को घेरा, कहा भ्रष्ट है झारखंड के पूर्व सीएम। हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार किए जाने पर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी भी भड़की। कहा, चुनाव जीतने के लिए विपक्षी नेताओं को जेल में डाल रही है बीजेपी। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि अगर उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जाए तो वह इससे भी बाहर आ जाएंगी। ज्ञानवापी परिसर में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार मिलने पर तिलमिलाए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। कहा, यह पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन है। ओवैसी ने आगे कहा कि जिस जज ने फैसला सुनाया, रिटायरमेंट से पहले उनका आखिरी दिन था। उत्तराखंड में पुलिस की अनोखी पहल, ट्रैफिक वाले इलाकों में ई स्कूटरों से करेगी पेट्रोलिंग। बता दें कि ये स्कूटर काफी अच्छे बताए जा रहे हैं और इनकी रेंज 20 से 25 किलोमीटर तक होती है। भारत के खिलाफ इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट मैच के लिए किया अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान। इंग्लैंड की टीम में जेम्स एंडरसन की हुई वापसी और शोएब बशीर करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू। आम चुनाव से पहले पाकिस्तानी जनता की जेब पर बड़ा बोझ। पाकिस्तान में 13.55 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ पेट्रोल। गौरतलब है कि पाकिस्तान में भारी महंगाई ने पाकिस्तान की जनता का हाल बेहाल कर दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के साथ युद्ध समाप्त करने की अटकलों को किया खारिज। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल हमास के साथ चल रहे युद्ध को समाप्त नहीं करेगा और इसराइल रक्षा बल गाजा में मौजूद रहेंगे। तो दर्शकों, ये थी आज की 15 बड़ी और सुपर फास्ट खबरें। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए साउथ ब्लॉक डिजिटल। नमस्कार।